अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कथित सुसाइड नोट सामने आ गया है। सोमवार यानी कि 20 सितंबर को नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आने के बाद से ही इस सुसाइड नोट की काफी चर्चा है। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट्स में इस सुसाइड नोट के हवाले से काफी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर मजबूत व्यक्तित्व के महंत नरेंद्र गिरी ने किस वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वो कौन सी बात थी जिसका कथित रूप से इस्तेमाल कर आनंद गिरी ने अपने गुरु को इतना ब्लैकमेल कर दिया कि उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वो बात इस कथित सुसाइड नोट के सामने आने से पता चली है। ये सुसाइड नोट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखा गया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लिखा है कि नरेंद्र गिरी आनंद गिरी के कारण विचलित थे, क्योंकि उन्हें हरिद्वार से सूचना मिली थी कि एक दो दिन में आनंद गिरी मोबाइल के माध्यम से एक फोटो वायरल करने वाला है। इंडिया टुडे के मुताबिक कथित सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने लिखा कि कंप्यूटर की मदद से बनाई गई इस फोटो में उन्हें किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए दिखाया जाएगा। उन्होंने लेटर में लिखा है कि अगर फोटो वायरल हो गई तो वो कहां कहां सफाई देते फिरेंगे। महंत ने लिखा कि उन्हें बदनामी का डर था, वे जिस सम्मान के साथ जीते रहे हैं बदनामी के बाद उस सम्मान के साथ नहीं जी पाएंगे, इसलिए आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं। नरेंद्र गिरी ने लिखा, आनंद गिरी कहता है कि तस्वीर वायरल होने के बाद आप कितनी सफाई देंगे, इस बात ने मुझे परेशान कर दिया है। नोट में नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी और दो अन्य संतों अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को जिम्मेदार ठहराया है। ये दोनों पिता पुत्र हैं। इसके अलावा सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने प्रयागराज के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो 13 सितंबर 2021 को ही ऐसा कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। नोट में नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने अखाड़े के सभी पदाधिकारियों से कहा है कि वे बलवीर से सहयोग करें। बलवीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उपमहंत हैं। वो हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं और जिम्मेदार पद पर हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने 10 साल पहले एक वसीयत तैयार की थी और उसे आनंद गिरी के नाम कर दिया था, लेकिन शिष्य से नाराजगी के बाद उन्होंने वो वसीयत रद्द कर दी थी। बाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बलवीर गिरी के नाम वसीयत कर दी थी। बलवीर गिरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वो 2005 में संत बने थे और 2019 से बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। देखना होगा कि अखाड़े के तमाम सदस्य और पदाधिकारी बलवीर गिरी को अपना महंत चुनेंगे या इस पर आने वाले दिनों में कोई नया विवाद पैदा होगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।